मैं भी सोच रहा था कि मेरे से कुछ भूल गए, ठीक हो गया। मैं गोप्रो नहीं पकड़ा, गोप्रो इसलिए पकड़ते हैं। खैर मैं जो है ना साथ साथ मैं दिखाता भी हूँ कि कौन सा वाला आउटफिट है। क्या सीन है बॉयज़, वेलकम हो गए उन व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है कमरे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया भाई। आज सुबह सुबह उठा है क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना मज़े का होने वाला है। और भाई ये देख लो, तैयार श्यार हुए, बस अभी बस निकलने की कह रहा था। मैंने कहा चलो इंट्रो जो है कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर निकलते हैं। आज हमने जाना है ईद की शॉपिंग वॉपिंग करने, ठीक हो गया, फ्रैंकफर्ट जाएंगे। और लेकिन उससे पहले हमने जाना है हॉट पानो, वहाँ से टिकट पकड़ना है। मेरे मामू जो है पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनका जो टिकट लिया हुआ है वो मैंने पिक करना है क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं और टिकट पा यहाँ फ्रैंकफर्ट से लिया है। तो अभी जो है ना दस्ती दस्ती चीज़ें पकड़ते हैं और निकलने की करते हैं, और मैं साथ साथ बस सीन वगैरह दिखाता हूँ। गाड़ी की चाबियाँ चाहिए, हेडफोन्स भी पकड़ लेते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं, चार्जिंग से हटा देते हैं, और क्या चाहिए। और ये यहाँ से ये पैसे पकड़ते हैं टिकट के लिए, और क्या चाहिए सब कुछ ले। वो यार मैं वो बटवा ही भूल गया हूँ, वॉलेट कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा वॉलेट, कहाँ गया हुए नहीं मेरा वॉलेट, वॉलेट वॉलेट पकड़ते हैं। गाड़ी की चाबियाँ भी हो गई हैं, वॉलेट भी हो गया है, हेडफोन भी हो गए हैं, और बस अब जो है ना सब कुछ पूरा हो गया है। और अभी जो है ना बस अभी निकलने की करते हैं दस्ती दस्ती, अभी जाके पहले गाड़ी पकड़ते हैं। और मुझे पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मेरे से कुछ भूल गया, लेकिन मेरे ख्याल से सब कुछ पकड़ लिया है। अभी बस निकलते हैं दस्ती दस्ती, गाड़ी पकड़ते हैं और वहाँ से जो है ना मैं फ्रैंकफर्ट में बस सीन दिखाता हूँ साथ। यार बॉयज़ जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है स्टार्ट में नमाज वमाज़ पढ़ने जो है वो उसमें जाना है शलवार कमीज़ में, और फिर उसके बाद जो है पैंट शर्ट का सीन करना है क्योंकि हमने जाना है किसी और दूसरे शहर में जाना है। तो वो कह रहे हैं बस नमाज वमाज़ पढ़ के ईद मिल के जो है उसके बाद सारे घर जाएंगे और चेंज चेंज करके जो है फिर निकलेंगे। अभी प्लान बना तो है लेकिन कोई पता नहीं होता, वो लास्ट टाइम पे जो है ना कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन देखते हैं क्या सीन होता है। मैंने कहा चलो आज चले जाते हैं, मुझे वैसे भी कपड़े चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो जाके ईद की शॉपिंग वगैरह कर आते हैं और भी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे गर्मियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये देखो सूरज वगैरह जो है ना निकलना शुरू हो गया है। और ये देखो मैंने हल्की जैकेट पहनी हुई है, नीचे टी शर्ट बस पहनी हुई है, और अभी ये सीन है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी पहले जाना है बान ऑफ, वहाँ पे जाके मैं सीन दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने टिकट पकड़ना है मामू का, वो पकड़ के उसके बाद फिर जाएंगे फ्रैंकफर्ट और बस साथ साथ मैं सीन दिखाता हूँ। A few moments later. यार गाड़ी जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, ठीक हो गया, बहुत टाइम हो गया नहीं धोए हुए, और ये अंदर से तो फिर भी चलो बेहतर, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। मैप वगैरह तो लग गया, अभी जो है ना फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लेते हैं क्योंकि हमने जो है ना फिर इसके बाद जाके ब्लॉगिंग करनी है और फ़ोन में जो है ना चार्जिंग होना लाजमी है। तो ये जो है ना तो डालते हैं, इसको लगाते हैं चार्जिंग पे, फ़ोन जो चार्जिंग पे लग गए, अभी जो है ना बस दस ही निकलने की करते हैं। यार मैं पूरे 10 मिनट जो है ना पार्किंग ढूंढता रहूँ, अभी जाके यहाँ पे पार्किंग मिली है, और अभी जो है ना अभी निकलते हैं, अभी चलते हैं, क्योंकि अभी जब मुझे वो दुकान जिससे टिकट दिखाना है वो मुझे पता नहीं है कि वो है एग्जैक्टली कहाँ पे, तो इसलिए जो है ना अभी गूगल मैप से जाके देखते हैं, और नहीं फिर बाबा को फ़ोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कहाँ पे सीन है, तो बस अब साथ साथ देखो क्या होता है। ये जो है यार हॉट बान ऑफ है, जो मेन ट्रेन स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का, और ये यहाँ पर ही है कहीं पास में, अभी मैप पे मुझे दिखा रहा है कि भाई ये पता ही नज़र आ रहा होगा कि नहीं, एक मिनट में जो है ना मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक ट्रेवल्स मिल गया, मिल गया, इनको ज़रा बेल शेल मारते हैं ना। मेरे साथ जो है बैड सीन हो गया है, अभी गया हूँ उनके पास, मतलब नीचे वो बेल करना होते हैं ना, वो फिर दरवाज़ा खोलते फिर बंदा ऊपर जा सकता है, तो मैंने बेल वगैरह मारी है लेकिन वो जो है वो उन्होंने नहीं खोली। फिर मैंने कॉल करने की कोशिश की है, गूगल से नंबर लिया, फिर मैंने बाबा को कॉल किया, मैंने कहा यार आप कॉल करो और देखो कि क्या सीन है, लेकिन उनके भी कॉल नहीं उठा रहे, तो पता नहीं उनका ऑफिस बंद है या पता नहीं क्या सीन है। तो ये बैड सीन हो गया थोड़ा, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं वैसे इधर सिटी में ही हूँ, मैंने यहाँ से अभी थोड़ा सा मिडिल सिटी में जाना है, इनकी टेंशन की बात नहीं है, अभी बाबा जो है उनको बस फ़ोन करते रहेंगे 2-3 घंटे क्योंकि मैं सिटी में ही हूँ, और वो फिर अगर फ़ोन उठाते हैं तो फिर उसके बाद जो मैं फिर से आ जाऊँगा पिक शिक करने, और अगर ना सीन हुआ तो फिर कल आएँगे, तो अभी देखते हैं क्या होता है।
यार मैंने अभी गाड़ी निकाली है और अभी जो है ना बाबा का फोन आ गया कि भाई बंदा जो ऑफिस में आ गया है और अब फिर से मुझे जाना पड़ जाएगा। यहाँ पार्किंग का यार बड़ा मसला होता है, ये देखो अभी यहाँ पे भी जो है ना फुल एल लगे हुए हैं। अभी यहाँ से पता नहीं क्या सीन करना है, अब लेफ्ट मुड़ता हूँ देखता हूँ अगर वहाँ पे पार्किंग मिलती है या क्या सीन होता है, लेकिन बस ये सीन है। लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा भी हो गया क्योंकि अभी फिर हमें मिडिल सिटी जाना पड़ता, फिर वहाँ से फिर वापस यहाँ आना पड़ता, यहाँ से अभी पिक करके जो है ना दस्ती दस्ती फिर जाएंगे सिटी और वहाँ पर जो है ना ईद शॉपिंग वगैरह करेंगे। A few moments later. यार अभी जो है हम बस कॉन्स्टी पहुंच गए हैं, अभी यहाँ आगे जो है सारी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं और बस अभी देखते हैं क्या सीन होता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले चला जाऊँ, मैं वैसे करता शॉपिंग हमेशा जो ना ज़ारा से ही हूँ क्योंकि उनके पास जो है ना मतलब क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है और वैसे भी जो है ना उनका गुड सीन होता है, डिज़ाइन वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो सीधा चलते हैं ज़ारा और वहाँ पर जो है ना वहाँ पर फिर देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो शर्ट्स लेनी है और पेंट वगैरह देखते हैं, जूते भी देखते हैं, अगर जूते भी कोई मिल गए चलते हैं फुट लॉकर्स और बस साथ साथ मैं सीन दिखाता हूँ। चार फुट लॉकर से आए हूँ और वहाँ पे जो है ना कोई जूते वगैरह नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, वो इनके पास थे नहीं और बस मैं अभी आ गया हूँ बाहर, वो ऑनलाइन ही हम मंगवा लेंगे और बस वो सीन गुड कर लेंगे। अभी बस चलते हैं ज़ारा के पास और वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि शॉपिंग हो जाएगी, वहाँ पे जाके देखते हैं अगर वहाँ से कुछ मिलता है ठीक है और अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो फिर हम वापस आते हैं इधर चाहे वहाँ पे H&M वगैरह हैं और दुकानें वगैरह हैं, फिर वहाँ से चीज़ें पकड़ लेंगे। साथ साथ जो है ना यहाँ के सीन्स वगैरह भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल जो है ना मतलब मिडिल सिटी है और यहाँ पर जो है ना बस लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं और बस ये बैंड वगैरह आया हुआ है। और ये जो है ये भी चिलिंग स्पॉट है, मतलब यहाँ पे जो है ना लोग बैठ शैठ के खाना शाना खाते हैं और पीछे से जो है वो व्यू आता है। मैंने जो है कपड़े वगैरह पकड़ लिए हैं, ये देखो फुल जो है ना जानवर वाला सीन की है, फुल जो है ना पता नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पकड़ लिए हैं। अभी जाके इनको जाके वहाँ पर ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन होता है। खैर मैं जो है ना साथ साथ मैं दिखाता भी हूँ कि कौन सा वाला आउटफिट है और ये देखो ये सारे जो है ना ये अभी सारे ट्राई करने पड़ेंगे, घंटा इधर ही लग जाना है। ये वाला आउटफिट जो है ये मैं घर से पहन के आया था और अभी जो है ना पहले ये शर्ट्स ट्राई करते हैं, ये वाली ट्राई करते हैं, सारी शर्ट्स ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कौन सी ले रहा हूँ और कौन सी कॉयल करा रहा हूँ। ये वाली पकड़ते हैं, वो ये वाली भी पकड़ते हैं, ये भी पकड़ते हैं। हाय यार, शॉपिंग वगैरह जो है होगी है, भाई की शॉपिंग देखी है 10 मिनट में हुई है, ठीक हो गया और ये कपड़े साथ हैं और अभी बस ये मैं इधर आया हूँ। ये एक पॉइंट सा है यहाँ पे लोग बैठ के जो है ना चिल चिल मारते हैं या कोई खाना वगैरह जब खाना होता है। मैंने गाड़ी भी जो है ना वो टिकट लेना होता है वो उस पर लगाना होता है जहाँ पे पार्क है, भाई ने टिकट शिकट कोई नहीं लिया क्योंकि वो ओपी जगह है, ठीक है वो भाई को पता है, खाली भाई को पता है और मतलब जो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते हैं ना उनको खाली वो जगह पता है, जो बाहर से लोग आते हैं वो जो है ना वो पैसे दे के जो है ना गुड सीन करते हैं लेकिन पार्किंग जो है ना लेकिन फिर भी खतरा होता है क्योंकि ये साइकिल पे हर जगह घूम रहे होते हैं और इनका जो है ना कोई पता नहीं होता, ये कहीं से भी निकल आते हैं और जुर्माना शुर्माना मार देते हैं, तो इसलिए जो है ना दस्ती दस्ती जाते हैं गाड़ी के पास। यार ये रस देख रहे हो, यहाँ से मतलब चलने की जगह भी नहीं है, यहाँ पे क्या मुजरा हो रहा है। एक मिनट मैं अभी साथ साथ दिखा, ये चप्पलें ही मार रही हैं भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं, एक तो रमजान है ऊपर सिंह इधर मुजरा लगाया हुआ है, ठीक हो गया। हम जो है ना हम चलते हैं आराम में गाड़ी के पास और घर जाके अभी एडिटिंग भी करनी है तो दस्ती दस्ती निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे यही सीन्स हो रहे होते हैं यार। ये देखो यार कितनी जल जगह, मतलब ये इधर साइड पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोग बैठ के खाना शाना खा रहे हैं, उधर पीछे जो है गाने शाने चल रहे हैं, इधर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। यार अगर मैं गाड़ी में ना आया होता ना और मैंने मतलब ट्रेन वगैरह से जाना होता फिर मैं जो है ना ये देख रहे हो जो लोग इधर नीचे जा रहे हैं साइड पे, फिर मैं इधर नीचे जाता और इधर नीचे जाके जो है ना वहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, मतलब वहाँ से ट्रेन पर जाती है हमारे घर को और ट्रेन से असल में जो है ना मतलब नज़दीक भी पड़ता है क्योंकि वो जो है ना 10 मिनट में पहुँचा देती है, ना ट्रैफिक ना कुछ क्योंकि ट्रेन के अपनी लेन्स हैं। लेकिन अभी हमारे घर के पास मसला ये है, वो ट्रेन के जो वो पटलियाँ वगैरह होती हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा बैड सीन है, इसलिए फिर मैं गाड़ी में ही आता हूँ और अब मैं गाड़ी को मैं जो हूँ यूज़ टू भी हो गया हूँ
तो अब मुझे ट्रेन से जाना जो है ना थोड़ा वो लगता है कि यार अब ट्रेन जाऊँगा, फिर ये कभी कभी ऐसा होता है लेट हो जाती है तो फिर बंदा कहता है एली कराओ गाड़ी में जो है ना फुल अपने पसंद का म्यूज़िक लगा के ना बंदा फुल जो है ना चास में आ सकता है, चास में जा सकता है। खैर ये व्लॉग होगा ज़्यादा लंबा तो नहीं, छोटा सा ही होगा, लेकिन मैंने कहा चलो बॉयज़ वगैरह को दिखा दें कि यार यहाँ पे ईद शॉपिंग का क्या सीन होता है। और शलवार कमीज़ जो है वो मेरे पेरेंट्स जो है पाकिस्तान से ले आए थे, बस यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, और लड़कों का शॉपिंग का तो पता है 5 मिनट में हो जाती है, तो बस ये सीन्स हैं। और इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं यार सब्सक्राइब मारो, यहाँ पर मैं जो है व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ और हफ्ते में 2 दफ़ा कभी 3 दफ़ा, तो बड़ा चास लाती है। और बस ये सीन है अभी, और बस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करो कमेंट करो, और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।